आज हम लोग प्याज की कोशिका का अस्थाई स्लाइड बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से हम पादप कोशिका को देख सकते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिकाओं के प्रकार को देखें तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका। आज हम लोग पादप कोशिका देखेंगे। कौन सी कोशिका? पादप कोशिका। और पादप कोशिका देखने के लिए हमारे पास ये सामग्री रखी हुई है। कौन कौन सी सामग्री है देख लीजिए। सबसे पहले तो माइक्रोस्कोप होना चाहिए। अब ये सामग्री की बात कर लें तो प्याज, प्याज की कोशिका में ही हम लोग पादप कोशिका की संरचना का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारे पास ग्लिसरीन, सैफ्रेनिन अभिरंजक कहलाता है जो पादप कोशिका को रंगने का काम करता है। सैफ्रेनिन चाहिए, कैंची चाहिए, कवर स्लिप, स्लाइड, पानी, चाकू, चिमटी, इन चीजों की हमको आवश्यकता होगी। ये सभी चीजें हैं, आपके पास भी है। आप अब इनको, मैं पहले करके बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, उसके बाद फिर आप इनको करके देखोगे, ठीक है? तो सबसे पहले ये समझ लो कि करना क्या है। प्रक्रिया में सबसे पहला काम जो है वो है प्याज की झिल्ली निकालना। पादप कोशिका देखना है, कहां से देखेंगे? प्याज की झिल्ली से देखेंगे। प्याज की झिल्ली से सबसे पहले क्या करेंगे? प्याज लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? प्याज लेंगे। ये हमने प्याज ले लिया, ये है प्याज, सभी के पास है, सबके टेबल पे रखा हुआ है। प्याज से हमको क्या निकालना है? झिल्ली निकालना है। इसको इस तरीके से निकालिए प्याज की झिल्ली। और जब प्याज की झिल्ली निकल जाए तो उसको क्या करना है? सबके पास निकल गया होगा। आप जो मेरे पास है वो मैं दिखाता हूं। ये है, ये देखिए, ये निकल गई झिल्ली। इसको कैंची की सहायता से क्या करेंगे? काट लेंगे। छोटे टुकड़े में इसको हम कैंची की सहायता से काट लेंगे, जिससे ज्यादा बड़ा ना हो। और इसको किस में रख देंगे? पानी में। आपके पास स्लाइड है, स्लाइड में एक ड्रॉप पानी और उसके बाद फिर पेट्री डिश में डाल लीजिए। पेट्री डिश में पानी है ना, उसमें आपको इसको डाल लेना है। ये इधर पेट्री डिश में हमने इसको डाल लिया। अब पेट्री डिश में डालने के बाद क्या करेंगे? इसमें ये पेट्री डिश में हमने रख लिया है इसको। अब इसको हमको स्टैन करना है। क्या करना है? स्टैन करना है। स्टैन करना मतलब अभिरंजित करना है, जिससे वो और स्पष्ट रूप से दिखे। तो अभिरंजित करने के लिए हम इसी पेट्री डिश में एक बूंद ये क्या डाल दिया? अभिरंजक डाल दिए। इसका नाम है सैफ्रेनिन। ये इसको कलर करेगा। लगभग एक मिनट इसको हमको छोड़ देना है, जिससे ये क्या हो जाए? कलर हो जाए। और जब तक कलर होता है तब तक कोशिका के बारे में तुम लोग जान लो। हमारा शरीर या पौधों का शरीर, जितने भी सजीव हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कुछ जीव एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, वो एक कोशिकी कहलाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह। और कुछ जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कहते हैं बहुकोशिकी। हम लोग बहुकोशिकी हैं। तो जितने भी काम है हमारे शरीर के, वो कौन करता है? कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। इसीलिए कोशिका को कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। कार्य भी करता है और संरचना भी हमारे शरीर की कौन बनाता है? कोशिका ही बनाती है। इसलिए कोशिका को कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा गया है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे मौलिक इकाई कौन सी है? कोशिका है।
अब जब ये स्टेन हो जाएगा तो क्या करना है, इसको बाहर निकाल लेना है और इसमें जो एक्स्ट्रा कलर हो गया है उसको धो देना है, मतलब बाहर निकाल के फिर से इसको पानी में हमको रखना है। किसमें रखना है? पानी में। ये देखिए स्टेन हो गया, स्टेन होने के बाद इसको निकालेंगे और फिर से पानी में, दूसरे पेटी डिश में हमने पानी रखा हुआ है साफ, इस पानी में इसको क्या करेंगे, डाल देंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा कलर है वो इसका निकल जाए। और जब एक्स्ट्रा कलर निकल गया इसका, तो इसको लेके किसमें, स्लाइड में रखेंगे। किसमें रखना है? स्लाइड में। और स्लाइड को हमें साइड से पकड़ना होता है। कहां से पकड़ना होता है? साइड से। ध्यान रखेंगे इसका, स्लाइड को साइड से पकड़ना है। और साइड से पकड़ने के बाद क्या करेंगे, इसमें हमको ये जो हमने निकाला है ये रख देंगे। ये देखिए ये रख दिया, ये बिल्कुल क्लियर तैयार, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करना है हमको, नहीं कवर स्लिप अभी नहीं रखेंगे, हाँ क्या करेंगे, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्यों डालते हैं? क्योंकि ये सूखे ना, कोशिकाएं जो हैं वो व्यवस्थित देखी जा सके। ये हमने इसमें क्या डाल दिया, ग्लिसरीन डाल दिया। और ग्लिसरीन डालने के बाद अब क्या करना है, इसके ऊपर कवर स्लिप। और कवर स्लिप लगाने के बाद, कवर स्लिप भी लगाने का एक तरीका होता है जिससे कि उसमें बुलबुले ना आए, ठीक है। तो ये कवर स्लिप निकालेंगे, कवर स्लिप भी साइड से पकड़ेंगे और इसमें इस तरीके से रखेंगे कि बुलबुले ना आए। धीरे धीरे बिल्कुल इसको रखना है, ये देखिए तैयार, एक भी बुलबुले इसमें नहीं आए हैं, ये तैयार। अब इसको क्या करना है हमको, इसको यहां अभी माइक्रोस्कोप सेट करके, माइक्रोस्कोप के नीचे इसे ऐसे रखेंगे और इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब एक बात फिर से लास्ट में बिल्कुल शॉर्टकट में बता रहा हूं क्या क्या करना है, अच्छे से समझना। सबसे पहले बताओ क्या करना है, प्याज लेना है, प्याज की छिल्ली निकालना है, क्लियर। दूसरा बताओ, ठीक है, उसको छोटी छोटे टुकड़े को हमने क्या कर दिया, फिर क्या करेंगे, अभी रंजित करेंगे, किससे करेंगे, किससे करना है रंजित, अभिरंजित करेंगे। अभिरंजित करने के बाद कितने, एक या दो मिनट उसको रख देंगे, जिससे कि वह अभिरंजित हो जाए। उसके बाद उसको निकाल के फिर उसको धो लेना है, ठीक है। धोने के बाद कहाँ रखना है, स्लाइड में रखना है। और स्लाइड में रखने के बाद उसमें एक ड्रॉप ग्लिसरीन डालना है, फिर उसके ऊपर कवर स्लिप लगाना है। कवर स्लिप लगाए, कवर स्लिप लगाते समय बिल्कुल धीरे धीरे निडल की मदद से उसको लगाना है, जिससे कि उसमें क्या ना आए, बुलबुले ना आए। बुलबुले आ जाएगा तो क्या स्पष्ट दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, इसलिए उसको कवर स्लिप लगाते समय विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, स्लाइड को और कवर स्लिप को कहां से पकड़ना है, बीच से कि किनारे से, क्यों, हाँ यदि वो गंदा हो गया तो आपको क्लियर स्पष्ट रूप से माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देगा। और उसके बाद क्या करना है, उसे देखना है। अब देखते समय जैसी संरचना दिखाई देगी वो आप अपने नोटबुक में कॉपी में बनाओगे और उसके बाद फिर हम उसकी संरचना के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, पादप कोशिका में क्या होता है, कौन सी विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं, किससे मिलकर बना होता है, सेलुलोज है या उसमें सेल वॉल जो भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति, इन सब के बारे में हम इसके बाद जब कोशिका की संरचना आप लोग देख लोगे उसके बाद उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।